हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया। वेलकम टू माय चैनल पैशनेट गर्ल रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को व्यू करते हैं पर लाइक कमेंट प्लीज कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर एक नया रिव्यू लेके आई हूँ, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बारे में बताऊंगी आपको। और ये है एल्प्स गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी, जो आप इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। आप इसे देख सकते हैं, इसकी पैकेजिंग ऐसी होती है। एल्प्स गुडनेस मुल्तानी मिट्टी है ये। और यहाँ पे ये सारे इसका लिखा हुआ बेनिफिट्स, और यहाँ लिखा भी है इम्प्रूव्स स्कैल्प हेल्थ एंड ब्लड सर्कुलेशन। और ये 100% ऑर्गेनिक है और नेचुरल है। और ये 50 ग्राम्स का पैकेट है ये। आप इसे देख सकते हैं, ये ऐसे पैकेट में आएगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और ये आपको पर्पल पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका प्राइस है 55 पर purple.com पे आपको डिस्काउंट इसका मिल जाएगा। समथिंग आपको 49 ऐसे मिल जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसा है। तो चलिए इसको कट करके देखते हैं पहले कि ये कैसा है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरह के पैकेट में आएगा मुल्तानी मिट्टी जो है। और इसका मैं लिंक दे रखूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस तरह के पैकेट में आएगा ये। और मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि कैसा है ये। तो आप इसे देख सकते हैं, ये ऐसा है। काफ़ी ऐसे करने पे ये देख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। स्किन पे भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। इसका पैकेजिंग ऐसे ही आएगा, आप इसे यूज कीजिए। तो चलिए इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो आजकल लोग स्किन के लिए बहुत से केमिकल वाले ट्रीटमेंट कराते हैं और फेस पैक यूज करते हैं, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है और बिल्कुल हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हमारे स्किन पे ग्लो करेगा, पर फिर कुछ दिन के बाद हमारे स्किन पे अच्छा नहीं है हमारी स्किन के लिए। तो जैसा कि स्किन और हेयर के लिए जितना भी नेचुरल चीज़ आप यूज करते हैं वो आपकी स्किन और हेयर को डैमेज नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि ये जो एल्प्स गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी है, ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप इसे यूज करते फेस पे या हेयर पे भी, तो ये बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा आपके लिए, और ये काफ़ी अच्छा है। तो मुल्तानी मिट्टी जो है, अगर हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो स्किन पे जितना भी डर्ट होता है मुल्तानी मिट्टी उसे खींच लेता है। और अगर जिसको ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम हो, तो मुल्तानी मिट्टी आप उसको लगाएंगे तो वो चेहरे से निकाल देता है, साफ कर देता है। और ये जिनको एक्ने प्रॉब्लम और पिंपल प्रॉब्लम है तो वो इसे लगा सकते हैं, जिससे इसमें पिंपल और एक्ने प्रॉब्लम में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, अच्छा होता है ये मुल्तानी मिट्टी। इसको रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी जो है ना, अगर हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, जैसे स्किन पे डेड सेल होता है, तो इससे चेहरा क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो ये आपके स्किन पे फेयरनेस ले आएगा, जिससे हमारा स्किन काफ़ी ग्लो करेगा। तो आप इसे यूज करें। तो स्किन पे जो भी सेबम सीक्रेट जो होता है, जिससे एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको भी मुल्तानी मिट्टी जो है रिमूव कर देता है। तो आपको इस मुल्तानी मिट्टी से दो बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि उसमें
सेवन सीक्रेट होने से जो भी एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है उसको रिमूव कर देता है। तो चलिए अब हम हेयर के बारे में बात करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी जो है हमारे हेयर के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मुल्तानी मिट्टी हम हेयर में अप्लाई करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हेयर जो है हेल्दी हो जाता है। अगर हमारा हेयर हेल्दी हो जाएगा तो जिन जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उससे काफ़ी उससे सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसा कि मुल्तानी मिट्टी जो है हम अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तो स्कैल्प पे जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया होता है उसको क्लीन कर देता है, और क्लीन ही नहीं ये स्कैल्प को हाइड्रेट कर देता है, और ये हेयर में जो डैंड्रफ प्रॉब्लम होती है, स्कैल्प इचिंग प्रॉब्लम होती है, वो इसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं और अपने हेयर को स्मूथ एंड शाइनिंग बना सकते हैं। जैसे कि हेयर को स्ट्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं केमिकल का यूज करते हैं तो ये काफ़ी हार्म होता है हमारे हेयर के लिए। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी, ये तो नेचुरल है, तो अगर हम अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं इसे, जैसे कर्ली हेयर हुआ, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा हेयर स्ट्रेट करने के लिए। और इसे आप यूज करेंगे तो आप खुद देखेंगे और आपको केमिकल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे हेयर शाइन भी करेगा, इससे ग्रोथ भी होगा, आपके हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आपको हेयर में कैसे अप्लाई करना है मुल्तानी मिट्टी, आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल भी ले लीजिए और दही ले लीजिए, दोनों को इनको अच्छे से मिक्स करके और हेयर पे अप्लाई कीजिए। जब सूख जाए फिर आप इसको वॉश कर लीजिए और अच्छे से आप हेयर को ऐसे ऐसे करके आपको वॉश करना है, वो पूरी तरह से निकल भी जाएगा, आपके लिए ईजी भी होगा। तो आप एक बार अप्लाई कीजिए इसको हेयर पे। और जैसे कि हमारा नॉर्मल स्किन है तो हम गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी और नींबू का जो रस होता है वो थोड़ा सा ले सकते हैं और हम अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका सेंसिटिव स्किन है वो क्या करें, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल उसको फेस पे अप्लाई करें। और जिनके पिंपल प्रॉब्लम है तो जिनको सूट करता है लेमन वो आप यूज कर सकते हैं, जिनको लेमन नहीं सूट करता आप नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर आप यूज करें। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय बाय।